أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
الله ورضوانا. صدری ویسر لی امری واحلل عقدتم من لسانی یفقہوا قولی. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ صبح شام و سحر کھولنا سکھا. پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خصم میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب زہر ضائع کے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب مت کو لب ہے مجھے بولنا سکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. میں ہوں زاہد خان، اور آج رمضان، آج چھٹا رمضان ہے، اور ہم موجود ہیں آج آپ کے سامنے دوبارہ سے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس ٹائم ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں ان کو ہم تعارف کرواتے ہیں. ابھی آپ کی جو کانوں میں جو رس کھول رہی تھی آواز، وہ تھی قاری ابو بکر نعیمی صاحب، جو کہ ریسنٹلی جو ہے انگلینڈ، ترکی، مسقط اور دبئی کا دورہ کر کے آئے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور آپ نے ہمارے پروگرام میں شمولیت حاصل کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سجاد حیدر نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کے کلام سے آگے سے جو ہے نا پروگرام شروع کرتے ہیں. تو سجاد بھائی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب آج کیا سنا رہے ہیں، کون سا کلام سنا رہے ہیں ابھی؟ زاہد بھائی، انشاءاللہ آل اظہار پہ بڑا خوبصورت کلام ہے، وہ پیش کرتا ہوں اس کے دو تین شعر. اللہ اللہ نبی کا گرانہ، یہ گرانہ ورا الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا
कराना। ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। और लपे है तस्किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के, फूल महके हैं मेरे चमन के, ऐसा उनके करम ने नवाजा अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। उम्मती हो मैं शाखे ज़मन का, मैं मौला हसन का, सदके जाऊं मैं उनकी अता के, देने वाले ने सब कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। काबा इश्क का हुनमा पे लिखना नियाजी, पंजतन का ये अतना गदा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
जज़ाकअल्लाह, आपने समा बांध दिया। और अभी यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हुआ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम कैसे अपने तमाम स्पॉन्सर्स को भूल सकते हैं जो जिनकी वजह से आज ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है। उसमें हमारे साथ तावन शामिल है, सी फ्रेट एडवाइज़र फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी, इसके अलावा रेट्रो वुड इंटीरियर फर्नीचर, पैराडाइज सीकर स्कूल सिस्टम, दामनी कलेक्शन और सुंदर फाउंडेशन, ये तमाम लोग हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन आप लोगों तक पहुंच रही है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ और गेस्ट मौजूद होंगे, रोज़ा और सेहत के हवाले से भी सेगमेंट होगा और हमारे पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहें और देखते रहें SFTV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखान की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सातें, आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम, और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूंगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक, तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से चीज, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुसैन किरत, मुकाबले हुसैन नाज, क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से चीज, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुसैन किरत, मुकाबले हुसैन नाज, क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखान की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सातें, आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम, और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से।
और मैं हूंगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SF TV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखान की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज शब इबादतें, वो बरकतों की सातें, आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SF TV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SF TV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम, और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूंगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SF TV पर। SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से चीज, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्ने किरत, मुकाबले हुस्ने नाद, क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से चीज, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्ने किरत, मुकाबले हुस्ने नाद, क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से चीज, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्ने किरत, मुकाबले हुस्ने नाद, क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से
शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्ने किरत, मुकाबले हुस्ने नाद, क्विज कॉम्पिटिशन और स्पीक कॉम्पिटिशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे एसएफ टीवी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। एसएफ टीवी इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे एसएफ टीवी की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्ने किरत, मुकाबले हुस्ने नाद, क्विज कॉम्पिटिशन और स्पीक कॉम्पिटिशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे एसएफ टीवी चैनल को वेलकम बैक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसएफ टीवी की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, और वक्फे से हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ और दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मोहसिन हैदर साहब, जो कि नार खान भी हैं और पिछले साल भी माशाल्लाह उन्होंने की दो हाजिरी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में हुई थी और बहुत मज़ा भी आया था और काफ़ी ज़्यादा समा बांधा। तो आज भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलाम सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा जमशेद अजीज़ साहब, जो कि पिछले साल भी हमारे साथ मौजूद थे और इस दफ़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जो टॉपिक जिस पर बात करेंगे वो है ज़कात और उसके मसारिफ। इसके अलावा रोज़ा और सेहत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुलसलाम राणा साहब, और उनसे आज जो हर टॉपिक है रोज़े के साथ साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वो उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं अहमद रज़ा, जो कि 3D स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं और सियालकोट में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये इनको ये एजाज़ हासिल है कि स्पीड पेंटिंग के हवाले से जो है ना इनको ये एजाज़ हासिल है। उनके साथ भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच आप सब लोग जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। आज शुरू करते हैं सर आपसे, डॉक्टर साहब, आज जो टॉपिक है हमारा वो मेरा ख्याल है कि वैसे तो हर एक इंसान हल्की फुल्की वर्जिश कर रहा होता है, मैं स्पेशली ख़ुद भी सुबह अगर उठूँ तो वॉक के साथ साथ हल्की फुल्की वर्जिश होती है, लेकिन रोज़े में जो है वो थोड़ी सी मेरा ख्याल इसमें एहतियात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस वाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या हम हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, और उसके बाद जहाँ तक वर्जिश का ताल्लुक है तो आपको वर्जिश वैसे ही करनी है जैसे आप गैर रमज़ान में करते हैं, मतलब रमज़ान के बगैर आम दिनों में जो एक्सरसाइज आप करते हैं आप वैसे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमने ना अमूमन गलत फहमी हमें ये हो गया कि जब रोजे का महीना शुरू हुआ है ना तो हमने रोजा रख के बस फौरन से सहरी के बाद से सुस्ती चढ़ जाती है। हाँ। और हम जनाब उस टाइम कई लोग तो जो है ना वो सो जाते हैं और उसके बाद जाके अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके भी सोए रहते हैं, मतलब वो आम रूटीन से भी ज्यादा आप सो रहे होते हैं। हालांकि रोजे का मकसद तो ये नहीं है, आपने रोजा रखना है अल्लाह की रजा के लिए और बाकी सारे काम भी आपने साथ साथ करने हैं। तो अगर आप आम रूटीन के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे, आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। हाँ, आपने देखना यह है कि उसकी टाइमिंग जो है ना वो मैंने क्या रखनी है। ठीक है, तो टाइमिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है। जिस तरह आप मतलब सुबह सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद आप नमाज वगैरह के बाद, हाँ, नमाज के बाद आप हल्की फुल्की वॉक कर लें। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि अगर हम वॉक करेंगे ना खाना हजम ना हो जाए तो ये मिसकंसेप्शन है ना कि खाना हजम हो के हमें भूख लग जाएगी। सही। और इसके अलावा हमें ये लगता है कि अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज हमने कर ली तो हमें फिर जल्दी प्यास लगना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे बेसिकली जो है ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, हमें डर और खौफ भी जो है ना वो रहता है कि हमें भूख ना लग जाए, प्यास ना लग जाए एक्सरसाइज की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक्सरसाइज को मैक्सिमम के बजाय, यानी अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं पहले उसकी इंटेंसिटी को कम कर लें, उसकी इंटेंसिटी जो है ना आप कम कर लें। ठीक है, और बस अच्छा ये एक तो एक्सरसाइज का बताया कि टाइमिंग का, दूसरा किस हद तक हम किस किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, उनको उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है।
इससे चीजें डिफरेंशिएट हो जाती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज की ना बहुत सारी किस्में हैं। बिल्कुल सही। अब एक किस्म है कि आप वजन उठा के जिम करते हैं, डंबल वगैरह उठाते हैं, दूसरी किस्म है इसकी आप घर में ही ट्रेडमिल पे भाग दौड़ लेते हैं, ठीक है, खवातीन जिस तरह जिनको मौका नहीं मिलता बाहर जाने का, तो तीसरी किस्म ये है कि आप बाहर ग्राउंड में जाके एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के ना अलग अलग मकसद हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो मेरे नजदीक है, वैसे तो सारी ही फिटनेस के लिए होती है, ठीक है, हाँ अपने अपने गोल सेट किए हुए थे, जिसने बॉडी बनानी है, मतलब हमारे नौजवान जो है ना वो सर्दियों में ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि हम 2-4 महीने एक्सरसाइज करेंगे, डंबल वगैरह उठाएंगे, डोले शोले बन जाएंगे, गर्मियों में हम यूनिवर्सिटी शर्ट पहन के जाएंगे, ये अब मकसद देखें कितना फनी है, ठीक है। हाँ सबसे अच्छी एक्सरसाइज वो है जिससे आपके जो दिल है और आपके फेफड़े हैं इनको वो ताकत दे, ठीक है, और इनको जो है ना मतलब मजीद इनकी जो फंक्शनिंग है वो बेहतर हो, तो वो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी किस्म की एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ठीक ठीक। अच्छा इसके अलावा उन्होंने बात की है वेट लिफ्टिंग वगैरह की, इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग जो गेम वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट हो गई, दूसरे बहुत ज़्यादा जाहिर बात है जो यूज टू होते हैं तो वो उनको उनसे रहा नहीं जाता, हाँ जी, तो वो उसके लिए भी थोड़ा सा बताएं कि क्या उसको रोजे की हालत में वैसे मामूल के मुताबिक उनको करना चाहिए या उसमें कुछ थोड़ा सा। बहुत टेक्निकल सवाल किया आपने और आप मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं सवाल, थोड़ा सा आपको टफ भी तो करेगा ना वैसे। आप प्रोफेशनल जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, अब एक्सरसाइज उनकी जान होती है कि एक्सरसाइज के बगैर तो फिटनेस के बगैर तो उनका कुछ भी नहीं ना। आपने देखा होगा पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत सारे वो जब कैंप होता है तो कहते हैं जनाब फिटनेस इसकी कंप्लीट नहीं थी, पूरी नहीं थी, इसलिए वो उसको बाहर कर दिया, ठीक। तो वो एक्सरसाइज जो है ना, अब माह रमजान के अंदर उनको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, हाँ टाइम चेंज कर लें, जैसे आप सहरी से जरा पहले एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, ठीक है, उसके बाद आप सहरी करें, नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद तलावत करें, फिर सो जाएं, और फिर शाम को आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, ठीक है, ठीक है, मतलब रोजे से जरा पहले, ताकि अगर भूख और प्यास भी आपको ज्यादा लगे तो रोजा खुलने के करीब हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप रोजा इफ्तार करें एक खजूर से और थोड़ा सा पानी, उसके बाद जो है ना आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, और जरा जो आप तरावी से जरा पहले आप खा लें, तरावी पढ़ के उसके बाद आप खा सकते हैं, क्योंकि ये जो माह रमजान जो महीना होता है ना, बेसिकली ये महीना होता है हमारी रूहानी कंडीशनिंग का, हमारी जिस्मानी कंडीशनिंग का, और हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का, हमने यूज टू करना होता है अपनी बॉडी को उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाता है स्पेशली कि लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं, जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं, उनके लिए कहते हैं, हर बंदे को वैसे भी कह रहा होता है कि यार वर्जिश किया करो, भागा करो, दौड़ा करो जी, तो मोटापे के जो शिकार लोग हैं उनको किस किस्म की वर्जिशें करनी चाहिए इसमें? अच्छा मोटापे के शिकार लोग जो है ना वो मतलब हमारी तरह, क्योंकि हमारे यहाँ हमें खाने पीने का बहुत शौक होता है, होटलिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से बंदा मोटा हो या ना हो पेट जरूर बड़ा हो जाता है, सही सही, ठीक है। अब हम लोग भी और जो ओवरवेट हैं वो लोग भी माह रमजान आने से पहले जनाब वो जो है ना ये अहद करते हैं कि इंशाल्लाह इस माह रमजान के अंदर मैंने जो है ना वेट कम कर लेना है, ठीक है, प्रॉपर प्लान वो करते हैं। अच्छा जब माह रमजान गुजरता है, माह रमजान गुजरने के बाद उनको ये पता चलता है कि मेरा तो वजन 6 किलो बढ़ गया, ठीक है, उसकी रीजन क्या होती है? रीजन यही होती है कि आप मतलब भूख बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज से भी एक स्टेप आगे जाके आपने अपनी कैलरीज कम करनी है, ठीक है। अच्छा कैलरीज कैसे कम कर सकते हैं? आप सपोज एक बिस्किट है, एक बिस्किट के अंदर जो है ना 20-20 किलो कैलरीज जो है ना उसमें होती हैं, सही, ठीक है, और हम बैठे बैठे एक एक पैकेट तो वैसे ही खा लेते हैं, ठीक है, और शाम को जो मोटापा पैदा करने वाली चीज है वो मिठास, मीठे जो खाने हैं या वो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे शाम को आजकल गर्मी है हम शरबत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स, और दूध के अंदर जो है ना फिर वो मतलब सफेद जो बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट, हाँ वो डाल के और हम दूध सोडा बना के पी रहे होते हैं, हालांकि हम अब वो कोल्ड ड्रिंक तो फिर भी हमने पी ली, बाकी जो नुकसानात हो रहे हैं वो अलग चीज है, उसको आप भूल जाएं। ये मोटापा जो प्रोड्यूस करती है वो एक इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। अच्छा फिर पकौड़े तले हुए हमने खा लिए, ठीक है, तली हुई चीजें, कचोरियां खा ली, समोसे खा लिए, तो वो एक अलग ही जो है ना, हम चखने चखने के दौरान ही अच्छा खासा जो है ना खा लेते हैं। अच्छा अगर माह रमजान को हम छोड़ दें, माह रमजान के बगैर घरों के अंदर जो हमारी माएँ हैं या बहनें हैं, ठीक है, वो माशाल्लाह इतना एहतराम करती हैं खाने का
कि किसी बच्चे ने अगर कोई पराठा छोड़ दिया है तो उन्हें यही कहना है कि जाया हो जाएगा, ये खा लो, ठीक है। बच्चे ने चाय छोड़ दी है तो वो पी ली। इसी तरह हम लोग इतने मेहमान नवाज हैं, मैं आपके पास आया हूँ तो आपने कहा डॉक्टर साहब चाय पीते हैं, ठीक है, आपने चाय मुझे पिलाई है साथ खुद पी ले। कारी साहब आएंगे, आप कारी साहब चाय पीते हैं, आपने आधा घंटा पहले तो चाय पी थी, कारी साहब के साथ भी आप पी लेंगे। अब वो एक चाय के जो कप होता है, ये तो हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना, उसके अंदर दो चम्मच जो है ना चीनी के उसके अंदर होते हैं, ठीक है, और दिन में तीन चार पांच चाय जो है ना वो पी लेते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो वो फिर चीजें मोटापा ना पैदा करें तो और क्या करें। अब आपका जो सवाल था हम उसकी तरफ आते हैं नेक्स्ट, कि आपने जो मोटापे का शिकार है उन्होंने कैसे अपना वेट कम करना है। एक तो हमने बताया कि आपने कैलोरीज अपनी कम रखनी है, खाने के अंदर एहतियात करनी है। दूसरी चीज जो है ना वो एक्सरसाइज, आपने आपका मोटापा कम होना तब शुरू होता है जब आप 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं, सही, ठीक है, इसको कहते हैं एनर्जी सिस्टम्स। सबसे पहले जो है ना हमारे जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स उनको बोलते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक, उसके बाद आपके जो फैट हैं वो यूज होना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर आपके प्रोटीन होना इस्तेमाल होना शुरू होते हैं। हम करते क्या है जनाब जाय साहब, एक्सरसाइज करते हैं, पांच मिनट हम भागेंगे, पांच मिनट के बाद हम थक के बैठ जाएंगे, अभी वो फैट बर्निंग वाला प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुआ जिससे मोटापा कम होना है। सही, तो आपको एक्सरसाइज करनी है 15 से 20 मिनट प्रॉपर, ठीक, कंटिन्यूअस, फिर जो है ना वहां तक हम पहुंचेंगे जहां से हमारी फैट बर्निंग शुरू होगी, उससे मोटापा कम होगा। इसको कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसके अंदर जो है ना एरोबिक एक्सरसाइजेस आपके दिल और फेफड़ों को भी ताकत देती हैं और आपका वेट भी जो है ना वो लूज करने के अंदर आपको हेल्प करती है। बिल्कुल ठीक। तो इन चीजों का जो है ना हमें ख्याल रखना है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहे हैं अभी, और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उनके सेनों में कोई सवाल है तो अभी हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं मोहसिन भाई आपकी तरफ, और मैं चाहूँगा सबसे पहले तो पिछले साल आप आए, इस साल क्या तब्दीली नज़र आई, और SFTV का ये जो कदम है क्या कहेंगे इस हवाले से? सबका के जिन्होंने एक दफा फिर मुझे यहाँ पे हाजिरी का मौका दिया, और इस दफा तो मैं माशाल्लाह 23 सेटअप देख के तो हैरान हो गया। पिछले साल से इस दफा तो कुर्बान मदीने दे, क्या बात है, मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी, वो मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी, या ख्वाब मैनू आका बस यौन मदीने दे, या ख्वाब मैनू आका बस यौन मदीने दे। मजा सब शेर देखिएगा, शेर देखिएगा, शेर देखिएगा, हो कर आए वो सारी उम्र नहीं दे सके दे एहसान मदीने दे, सारी उम्र नहीं दे सकते एहसान मदीने दे। और इस शेर के साथ
इंतजाम कर रहा हूँ कलाम का, इस्तगासा भी है हुजूर की बारगाह में, अल्लाह करे कबूल। रुक जावे शाला हशर तयो वेला हशर तयो वेला उ जद ख्वाब च आ जावे सुल्तान मदीने दे जिड़ दिल विच रख देने अरमान मदीने दे बन जाते कदी न कदी मेहमान मदीने दे। जी जनाब, ये थे मोहसिन हैदरी साहब जो कि कलाम पेश कर रहे थे। अभी यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दोबारा अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ रहें और देखते रहें एसएफ टीवी की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान। एसएफ टीवी इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे एसएफ टीवी की जानिब से शील्ड, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले उसने किरत मुकाबले उसने नाम क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी रابطہ करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे एसएफ टीवी चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले उसने किरत मुकाबले उसने नाम क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी रابطہ करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे एसएफ टीवी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले उसने किरत मुकाबले उसने नाम क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी रابطہ करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे एसएफ टीवी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले उसने किरत
मुकाबले उसने ना क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी रابطہ करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से शील्ड, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले उसने किरत मुकाबले उसने नाथ क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी रابطہ करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से शील्ड, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले उसने किरत मुकाबले उसने नाथ क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी रابطہ करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SF TV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SF TV की जानिब से शील्ड, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले उसने किरत मुकाबले उसने नाथ क्विज कंपटीशन और स्पीक कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी रابطہ करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SF TV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखान की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सातें, आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SF TV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SF TV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्के पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए इकराम, और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूंगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक, तो देखना मत भूलिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं SF TV की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे
अहमद रज़ा साहब उनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं फिर दोबारा से चाहूँगा कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन आप लोगों तक पहुँच रही है उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सी फ्रेट एडवाइज़र फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी और रेट्रो वुड इंटीरियर फर्नीचर्स पैराडाइज सीकर स्कूल सिस्टम और दामनी कलेक्शन सुंदर्स फाउंडेशन ये तमाम इदारे हैं जिनकी वजह से आप ये नशरियात देख पा रहे हैं। अच्छा अहमद भाई सबसे पहले तो बताइए कि बहुत शुक्रिया आपका आपने यहाँ पर टाइम दिया हमें और एसएफ टीवी की इस काविश के हवाले से क्या कहेंगे जो माशाल्लाह से हमने स्टार्ट किया। वालेकुम अस्सलाम जी जी हाँ जी अलहमदिल्ला। अच्छा अहमद भाई स्पेशली जो आज हमें हमने आपको बुलाया है वो है 3D आर्ट आर्टिस्ट आपके हालात देख लिखा होता है हम पढ़ते रहते हैं और मुख्तलिफ पोस्ट में मैं आपको देखता रहता हूँ और गूगल पे भी आपको मतलब इतने ज़रा ऑनर हुई कि आपकी वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी और बीइंग अ सियालकोटी मतलब प्राउड की बात है। पहले तो ये बताइए है क्या 3D आर्ट जो है वो ये है क्या इस वाले से थोड़ा सा बताएं हमारे नाल दिन आर्ट नहीं है दूसरी आर्ट से डिफरेंट है। ठीक है आप जब कोई आर्ट देखते हैं तो ये जैसे पीछे इनके ऊपर वो डिजाइन बना हुआ है ठीक है हम नेकेड आई से इसको देखते हैं समझ आ जाती है चीज ऐसी बनी है। 3D आर्ट के अंदर एग्जैजरेशन होती है और इसको ना हम डिस्टॉर्शन होता है आर्ट का। ओके इसको एक स्पेसिफिक एंगल से देखा जाता है या कैमरे की आंख से देखा जाता है ठीक अपने मोबाइल के अंदर और इस तरह से इसको आपको समझ आता है 3D आर्ट। अब जब कैमरे में देखते हैं या स्पेसिफिक एंगल से देखते हैं तो आप कैसे लगता है वो चीज वहां पे पड़ी हुई है बिल्कुल अदरवाइज अगर आपको हालांकि वो ड्रॉ हुई हुई हो तो सर ये लैंप हमारे पास पड़ा हुआ है अगर इसको आप किसी कैनवास पे ड्रॉ करेंगे उसी के फार्मूला को अप्लाई करके जब मैं लैंप बनाऊंगा तो ऐसे लगेगा यहां से आप जब इसकी फोटो लेंगे या कहीं हां ठीक है तो ऐसे लगेगा कि आपको यानी इंसानी आंख नहीं वैसे फोटो के जरिए आप उसको देख सकते हैं अगर इंसानी आंख देखें तो इसमें ना एक जैसे मैं फ्लोर के ऊपर बनाता हूं तो ये काफी लंबी होती है। ओके जब ये जब इसको हम मोबाइल के अंदर देखते हैं या कैमरे के अंदर देखते हैं एक लेंस होता है इसका जो कि अमेरिका से इंपोर्ट होता है तो उसके अंदर हम जब देखते हैं ना तो उसमें वो डिफरेंट नजर आता है। ठीक है तो ये चीज है इसके अंदर। ठीक है अच्छा अहमद भाई ये बताइएगा कि इस जो ये फ़न है इसकी पाकिस्तान में इसका क्या मुस्तकबिल है और दुनिया के हवाले से अगर हम बात करें तो ये किसने स्टार्ट किया और फिर पाकिस्तान में किसने स्टार्ट किया इस हवाले से बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो ये है कि पाकिस्तान में मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहला पाकिस्तानी 3D आर्टिस्ट मैं तो जानता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पता चले इसका मुझे वो भी मिला हुआ है यानी कि तब से जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। अब रही बात इसके ऊपर दुनिया के अंदर क्या चल रहा है दुनिया के अंदर इसमें आप जैसे जर्मनी है उसके बाद दुबई है मैं दुबई में शेख मोहम्मद के साथ भी काम कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्कशॉप में भी आए थे वो और उसके बाद अमेरिका है यहाँ पे इन आर्टिस्टों को बुलाया जाता है। सही। पाकिस्तान से मैं दुबई में गया था 19 3D आर्टिस्ट टॉप के उनमें पाकिस्तान से मैं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप दुनिया की तरफ देखते हैं ना तो वहां पे वो क्या करते हैं कि आप जब चल रहे होते हैं किसी रोड से गुजर रहे होते हैं आप देखते हैं कि रोड के ऊपर एक 3D आर्ट बनाई हुई है किसी ने किसी ना किसी चीज को एडवर्टाइजमेंट उसकी करने के लिए तो दुनिया में इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है इसका 3D आर्ट का। अब रही पाकिस्तान की बात तो पाकिस्तान में लोग अभी आना इस तरफ स्टार्ट हुए हैं जैसे कि सियालकोट के अंदर आप जाएं तो डिफरेंट जो है रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफी आर्ट वर्क है। तो अब बाकी रही बात यहाँ पे हमने लाहौर के अंदर इसका स्टार्ट किया है और सियालकोट के अंदर स्टार्ट किया है इसकी क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं कि लोग आए सीखें। मैं उसी तरफ अभी बढ़ने लगा था कि अगर कोई किसी को शौक हो इस चीज़ का सर मेरा बेटा है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था उसको भी बड़ा शौक है ड्राइंग वगैरह करने का वो प्राइजेस भी लिए हैं स्कूल टाइम में उसने तो अगर कोई प्रॉपर सीखना चाहे जो जिस तरह माशाल्लाह आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और अगर हमारी आने वाली जो नस्ल है हमारे जो यूथ है अगर वो इसको अडॉप्ट करना चाहे सीखना चाहे तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से मतलब देखिए जाहिद भाई एक ना मैं यहाँ पे चीज़ जरूर मेंशन करूँगा क्योंकि हमारे जो नए आर्टिस्ट आते हैं जी उन वो क्या करते हैं सॉरी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं लकीर का फकीर होना लाइक यूट्यूब से वीडियो देखी उसको फॉलो किया और उस पर चलते गए ये आर्ट नहीं है। ठीक आर्ट का मतलब है आप उसकी फाउंडेशंस को जाने उसके बेसिक्स को जाने
उसके अंदर रूल्स होते हैं, कोई भी काम है अगर कोई फोटोग्राफी कर रहा है उसके अंदर रूल्स हैं, ठीक है, ठीक है, अगर कोई वीडियोग्राफी कर रहा है, कोई आर्ट कर रहा है, उसके अंदर रूल्स हैं, उनको लर्निंग, उनको सीखें, क्यों, क्योंकि आगे मुस्तकबिल के अंदर ये हो रहा है कि जो AI बेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया कि आप उसको लिखते हैं, जैसे चैट GPT है उसके ऊपर आप लिखते हैं, तो क्या होता है कि सामने आपको बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो निकाल के दे देती है कि ये चीज आपको बना के जो भी आपके दिल में होता है, या मतलब सॉरी आप जो कॉन्सेप्ट चाह रहे होते हैं। अब जो मेन आर्टिस्ट है ना, जो सीखा हुआ है, जिसने प्रॉपर फाउंडेशन के ऊपर काम किया हुआ है, वो उस तरह से अभी तक AI काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो इंसानी दिमाग है वो थीम के ऊपर जब काम करता है तो वो डिफरेंट चीजों को उसके अंदर लेके आता है। तो अगर कोई बंदा विदाउट लर्निंग के इसको सीखता है तो जाहिर सी बात है वो एक तो हटके चलेगा, दूसरा YouTube के ऊपर मैं इसकी क्लासेस इसका दे रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, और हमने एक बकायदा एक अपना एक टीम बनाई हुई है अपना मुकाम पैदा करके नाम से, लाहौर के अंदर हम इसके कंपटीशन रखते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं हमसे सीखते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सियालकोट में भी हम लेके आ रहे हैं उन चीज़ों को। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ दूसरे भी आर्टिस्ट अटैच हैं, दोस्त हैं, वो भी मिल के कैलीग्राफी है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, 3D आर्ट जो मेरा काम है वो है, डिफरेंट आर्ट के रिलेटेड जितने इसके मॉड्यूल्स हैं वो लेके हम आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है भैया, आपसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे पास यहाँ पे एक कॉल है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉल जो ही कनेक्ट होती है, हमारे गुजरात सेंटर सुंदर फाउंडेशन के गुजरात सेंटर के जो मैनेजमेंट है उनसे हम रब्ता करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा मैसेज है सुंदर फाउंडेशन का, हम मुख्तलिफ जितने भी हमारे सेंटर्स हैं वो तमाम लोगों को हम कॉल पे ले सकें और उनसे भी जान सकें कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वो इंसानियत की खिदमत में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, किस तरह से हो रही है। तो अगर कॉल रेडी है, उमेर को मैंने नंबर दिया, आप उमेर से मंगवा लें, उतनी देर में मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा अहमद भाई, आप ये बताइएगा कि एक कितनी एक्सपेंसिव ये स्टडी है और कितनी एक्सपेंसिव समझ लें कि ये प्रैक्टिस है अगर कोई ये सीखता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी आपसे एक बात हुई थी, हमने एक जगह यहाँ पे वो कुछ बनवाना था तो आपने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा उसके कलर्स जो होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, तो ये क्या ये आम बंदा जो गरीब तबके से भी जो बच्चे हैं हमारे वो सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे याद पड़ता है मुझे एक महीने के बाद 50 रुपये मिले थे। अच्छा, और वो 50 रुपये मेरे लिए आज भी मैं देखता हूँ तो वो बड़े बड़े बड़ी वैल्यू रखते हैं। अच्छा, सही। और मुझे याद है कि मैं कहीं जब इंस्टीट्यूट के अंदर जाता था सीखने के लिए तो मुझे कहते थे आपके पास फीस नहीं है, वो दरवाजा है। आज ये भी वक्त आया अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हीं इंस्टीट्यूट के जो मतलब जो चला रहे हैं उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सीखने आते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की अता से हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई जो है ना वो खासियत दी है। इंसान कोशिश करे तो वो कर सकता है, चीजों को कर सकता है। हम तो वैसे भी इकबाल के सिटी के रहने वाले हैं तो नाम इकबाल ही हमें बड़ा कुछ इन चीजों में बताते हैं। तो अगर कोई इस तरह का बच्चा है कि जो नहीं कर सकता वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करे, उसको मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो मेहनत करने वाला हो, चलने वाला हो, फिर कोई मसला नहीं है। पैसे होते हैं नहीं होते, बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ एक दफा चल के देखना। क्या बात। अच्छा अहमद भाई, लास्ट पे ये बताइएगा कि क्या रुझान है हमारे यूथ का इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप तो ये बकायदा चीजें कर रहे हैं, मैं देख रहा होता हूँ कि स्ट्रीट पेंटिंग भी हो रही होती है और बड़े लोग आपके साथ, यूथ आपके साथ चल रही है, तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस हवाले से? जाहिद भाई, रिसेंटली मैंने 2 या 3 दिन लगे थे, हमने अपना मुकाम पैदा करके टीम ने एक हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था लाहौर के अंदर अल्हम्रा के अंदर, और यकीन बात माने के 2 दिन के अंदर हमें रिस्पांस ये था कि 40+ फीमेल्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, डिफरेंट लोकेशन से, यानी कि लाहौर से, और हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत कम की थी। अब रही बात के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, देखें गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को लेते हैं, आप उसको लेके आप देखें किसी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएं, घर के अंदर चले जाएं, आप बेशक जितने मर्जी फ्लैक्स लगा लें, आपने जब आर्ट लगाई होती है ना तो आपके दिमाग में आता है यार ये इंसानी हाथों से बनी हुई है, ठीक है, आप ज्यादा देखते हैं और रिएक्शन होती है उसमें। जी, मैं लाइव पेंटिंग बनाता हूँ, कुछ दोस्त हैं वो बुलाते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं हमारी शादी पे हमारी लाइव पेंटिंग, अब उसके अंदर 15 से 30 मिनट होते हैं, उसके अंदर वो लाइव पेंटिंग बनानी होती है और
देखिए लोगों के अंदर इंटरेस्ट है तो वो लोग बुलाते हैं ना, सिर्फ ये है कि यहाँ पे अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को, ताकि लोग इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आए और लोग सीख रहे हैं। बहुत सारे इदारे बने हुए हैं जो सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा भी सिखा रहे हैं, जिनमें लोग बाहर जाके, मैं इंटरनेशनली इसको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला की अता से करेंगे। तो ये है कि लगे रहे। माशाल्लाह जी अहमद भाई, हमें आपको बड़ा फ़ख्र है, और जिस तरह से आप सियालकोट का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इसमें उम्मीद है कि आने वाली जो हमारी यूथ है इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसमें अपना मुकाम हासिल करें। अभी हमारे पास कॉल की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कॉल कनेक्ट होती है तो हम बात करेंगे हमारे गुजरात सेंटर की जो मैनेजमेंट है उनसे, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल अगर मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हमारे साथ मौजूद है इस टाइम मीर फजल अब्बास साहब, जो कि गुजरात सेंटर में एज अ एचआर में हैं, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा फजल भाई सुनाए, कैसा जा रहा है रमजान माशाल्लाह से? रमजान अल्लाह ताला की बरकतों से बहुत अच्छा गुजर रहा है जी, अल्लाह की रहमतें समेटने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको इस माह मुबारक की रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। अच्छा फजल भाई, हम ही अभी बात करें, बड़े हमारे साथ गेस्ट भी वहाँ पे मौजूद हैं और बात चल रही थी सुंदर फाउंडेशन की, तो मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह सियालकोट सेंटर है, लाहौर है हमारा हेड ऑफिस, हम तमाम सेंटर्स को कॉल पे लेते हैं और हम पूछते हैं कि सुंदर्स फाउंडेशन मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है और किस तरह खल्क खुदा की जो है वो खिदमत कर रहा है, तो इस हवाले से ज़रा गुजरात से बताइएगा कितने हमारे साथ हमारे पास पेशेंट्स हैं और उनको हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जाहिर भाई गुजरात में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1000 के अराउंड पेशेंट्स हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अल्लाह ताला के करम के बाद बच्चों की खिदमत कर सके, लेकिन जितना हो सकता है इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी मुस्तकबिल में करते हैं। अच्छा फजल ये बताइएगा कि ये जो पेशेंट्स हमारे पास मौजूद है हम इनको कितनी देर बाद ब्लड लगता है इनको और हम इनको मुकम्मल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम सर्विसेज देते हैं या उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन होता है? जी कंट्रीब्यूशन एज सच तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशली जो दौर अभी चल रहा है इसमें तो इन बच्चों की तरफ से तो कंट्रीब्यूशन का हम सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विसेज प्रोवाइड हम इन्हें कर रहे हैं। दूसरी बात रह जाती है जाहिद भाई कि इनको ब्लड लगता कितने दिन के बाद है। थैलेसीमिया का जो एक बच्चा है वो किसी को दो दफा लगता है महीने में, किसी को तीन दफा लगता है, मतलब डिपेंड करता है उसकी एज के ऊपर। ठीक। अच्छा फजल एक बात हर बंदे के जहन में पैदा होती है कि ये हम जिस तरह बताते हैं 7000 के करीब हमारे पास बच्चे हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में, तो एक सवाल बड़ा पैदा होता है कि जी ब्लड इतना आता कहाँ से, और स्पेशली अगर हम बात करें रमजान की, रमजान में थोड़ा सा ब्लड डोनेशन मैं भी समझ सकता हूँ कि कम हो जाती है, तो क्या स्ट्रेटजीज हैं आप लोगों की ब्लड के हवाले से? सबसे जो पहली बात है ना जी, जो ये वाली बात है कि ये ब्लड कहां से आता है जी? ये ब्लड आने का तो जाहिद भाई अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये मुझे भी नहीं पता कि ये कहां से आता है। ऐसा ही है, ऐसा हमारी तो कोशिश ही होती है अल्लाह ताला के खास करम, ये मदद करने वाली जात है अल्लाह ताला की। हम इंसानों की हमेशा से पॉजिटिव कोशिश रही है, बाकी तो अल्लाह ताला की जात है कि जिसने, अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर किसी को ब्लड का एक बैग अरेंज करने की जरूरत पड़ती है तो वो किस हद तक मुश्किलात का शिकार होता है। बेशक, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हर सेंटर के अंदर किसी में रूटीन में 30, किसी में 40, किसी में 50, किसी में इससे भी ज्यादा ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज होते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई पता नहीं है। ये सारी अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि जिसकी वजह से ये सारा ब्लड जो है वो अरेंज हो रहा है। और दूसरी बात रह जाती है रमजान के अंदर जो है वो ब्लड कलेक्शन की, तो नॉर्मली रमजान में ब्लड की कलेक्शन उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह दूसरे रूटीन में हमारे पास होती है। सही। और मैं इसमें यही कहूंगा कि ये अल्लाह ताला की मदद ही होती है इसमें हमेशा से, जो शामिल हाल रही है और रहती है जो हम ये सारा काम कर पाते हैं।
ठीक। अच्छा, इसके अलावा इमरान साहब हमारे साथ अगर मौजूद हों तो हम उनसे ज़रा मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर वो मौजूद हैं तो उनसे बात हो सकती जी, है तो। नहीं, इमरान साहब डोनेशन के सिलसिले में बाहर निकले हैं तो इस वजह से वो भी बात नहीं कर सके जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा फजल के किसी भी अदारा कोई भी अगर हम बात करें एनजीओ की या सोशल वेलफेयर कोई भी अदारा है तो वो डोनेशंस के बगैर फंड्स के बगैर जो है वो नहीं चल सकता। तो आजकल जिस तरह की जाहिर बात है रमज़ान में जो है वो डोनेशन के वाले से सब लोग अपील करते हैं, तमाम एनजीओस करती हैं, तो इस टाइम जो हालात जो नज़र आ रहे हैं क्या क्या लगता है आपको, कुछ मुश्किलात हैं या कि आपकी जो टारगेट हैं जो हम पूरा बजट बनाते हैं तमाम पेशेंट्स के हवाले से तो वो कैसा जा रहा है? सर हालात जैसे भी हो हमने तो जीना है, दुनिया छोड़ तो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा। और दूसरी बात ये है कि थोड़े वसाइल में थोड़े वसाइल को पॉजिटिव यूटिलाइज करना यही एक ब्लेसिंग होती है। और जब आप अच्छी नीयत से अच्छी सोच के साथ पॉजिटिविटी को लेके काम स्टार्ट करते हैं, और दूसरी एक और भी चीज ये है आपने ये कौन सा अपने लिए करना है, आपने कौन सा अपने लिए मांगना है, आपने मांगना खलके खुदा के लिए, तो आप कोशिश करें जिसकी मखलूक है वो खुद मदद करने वाला है। बेशक। दूसरी बात टारगेट की आ जाती है, हर गुजरते दिन के साथ हालात मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम हाथ रख के बैठ जाएं। हमने तो अपनी तो कोशिश करनी है, अपना पैगाम पहुंचाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत अच्छे हैं, लोग हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं और ऐसे मुश्किल दौर में भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, आखिर पे ये आपसे कहूंगा मैं कि थोड़े वसाइल में जीना ही इंसानियत होती है, थोड़े वसाइल को मैक्सिमम यूटिलाइज करना। और हम हैसियत मुसलमान हमारी इस्लामी मुआशरे वाली तभी बनती है ना कि अगर जिस तरह इस्लामी मुआशरे की मिसाल रिसालते मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दी थी कि अगर आपके जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म कांप जाता है। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छे हैं, चाहे वो सियालकोट के हैं, चाहे लाहौर के हैं, चाहे गुजरात के हैं या गुजरांवाला के हैं, ये लोग ही हैं जो अल्लाह की मदद के बाद लोगों के तामुन से तो हम लोग चल रहे हैं। इतना बड़ा बजट, इतने लोगों को टैकल करना, इतने पेशेंट्स को फैसिलिटेट करना, ये अकेले तो नहीं है, कोई भी इदारा नहीं अकेला कर सकता। बिल्कुल सही। फजल, आखिर पे मैं आपसे मैसेज जरूर लेना चाहूंगा SFTV के हवाले से, जो सुंदर फाउंडेशन का एक कदम है जो अभी हम बैठे हुए लाइव ट्रांसमिशन रमजान की, इसमें हमारे साथ नात खान हजरात बैठे हुए हैं, मुफ्तियान उलमा, और ये हम 3 से 5 के दरमियान ये लाइव ट्रांसमिशन करते हैं। और कोई भी, मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है वो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई भी अदारा है उसके बगैर चल नहीं सकता। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आजकल के दौर में जहाँ पे सोशल मीडिया की हर लिहाज से अहमियत बढ़ी है, डेफिनेटली हमें भी अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, हमें अपने आप को अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद एक है कि हमने लोगों को पैगाम देना है। उस पैगाम देने के लिए कोई भी चैनल हो, कोई भी डोर हो, वहां पे नॉक करना बहुत जरूरी है। और ये हजरत अली का फरमान है कि आप दस्तक देते रहें तो दरवाजा कभी ना कभी खुल ही जाता है। इंशाल्लाह। तो हम हमेशा से ये करते रहेंगे। इंशाल्लाह। आखिर पे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो अपने अपनी जगह पे रहते हुए अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर करें, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अगर हम इंडिविजुअली ये सोचेंगे अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा करेगा, तो हर बंदे की यही सोच होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मैं करूंगा या मैं करूंगा, तो इंशाल्लाह हम मिलके कुछ अच्छा करने के काबिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया फजल आपके टाइम का, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला इस टाइम, मुझे मैं समझ सकता हूँ कि रमजान के हवाले से आपकी कैंपेन्स भी चल रहे हैं और आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अपना ख्याल रखें। जी जजाकल्लाह, थैंक यू जी। नाज़रीन, गए थे फजल अब्बास जो कि गुजरात सेंटर में अच्छा मैनेजर है यहाँ पे, और यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा जमशेद अजीज साहब, उनसे जो है आज के हवाले से ज़कात के हवाले से भी बात करेंगे, और उसके बाद फिर आखिर पे हम कलाम भी सुनेंगे मोहसिन हैदर साहब से। तो हमारे साथ रहें और देखते रहें SFTV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखान की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सातें, आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर
SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूंगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखान की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज शब इबादतें, वो बरकतों की सातें, आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफा सल्लल्लाहु। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SFTV की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान और हम देख से वापस आ चुके हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं अलामा जमशेद अजीज साहब, थैंक यू सो मच। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि हमारे आज मेहमान माशाल्लाह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो अहमद भाई माशाल्लाह जिस तरह से हमने बात की है सियालकोट का फ़खर है। तो सर मैं आपसे भी यही पूछूंगा, जिस तरह लास्ट टाइम आप आए थे और आज आपको क्या डिफरेंस नज़र आया और SFTV के इस कावेज को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो SFTV का आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा फिर ये मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक बात है पिछले साल की और इस साल की, तो एक अरबी का मुहावरा मुझे याद आ रहा था, कुल्लु जदीदिन लजीज़ुन, कि हर वो काम जिसमें जिद्दत होती है ना उसमें लज्जत भी होती क्या है। बात है, क्या बात है। और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह लज्जत नज़र भी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, ना सिर्फ इस माहौल को, यहाँ के काम को अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी टीम की इस कोशिश को। बस ये दुआ है अल्लाह ताला माह सयाम की बरकतों से इसमें मजीद बुस्सतें अता फरमाए और मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है ज़कात के हवाले से, तो पहले तो ज़कात क्या है इसकी थोड़ी सी वजाहत करें ताकि आगे हम अच्छे तरीके से चल सकें। इसमें जहाँ तक ये बात करते हैं ना ज़कात क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ना मैं पसे मंजर अर्ज करूँ। इस्लाम का जो, इस्लाम पूरे एक सिस्टम का नाम है। बिल्कुल सही। मैं अक्सर ये बात लेक्चर्स के अंदर ये समझाया करता हूँ कि आज से जब हम छोटे थे उस वक्त भी हम ये पढ़ते थे 2 + 2 = 4 होता है, वो आज भी वही है। ठीक। और ये आज से 100 साल बाद भी चलेगा तब भी यही होगा, मतलब एक फार्मूला है। ठीक। पूरा मैथमेटिक्स या पूरी साइंसेस या जितना भी ये उलूम है सब सब उसूलों कवानीन पे चलते हैं। ठीक। इसी तरह इस्लाम भी उसूलों कवानीन का नाम है। ठीक। इस्लाम भी उसूलों जवाबित का नाम है। अब देखें दौरे जिद्दत में, दौरे जदीद के अंदर नए से नए मसाइल हमें पेश आ रहे हैं, और वही 1400 साल पहले जो कुरान था और नबी का फरमान था वो आज भी इनका हल दे रहा है, क्योंकि कवानीन मिल गए ना। बिल्कुल सही। इसी हवाले से मैं थोड़ा सा कवानीन का अगर नक्शा आपके सामने रखूं, तो रब ताला ने इंसान को जो अहकाम दिए हैं ना जी, वो 3 तरह के हैं जी, ओवरऑल मजमूई तौर पर। सही। कुछ अहकाम वो हैं जिनका ताल्लुक इंसान की सोच से है। ठीक। कुछ अहकाम वो हैं जिनका ताल्लुक इंसान के जिस्म से है। ठीक। और कुछ अहकाम वो हैं जिनका ताल्लुक इंसान के माल से है। ठीक हो गया। जब पहली कैटेगरी की बात करते हैं कि वो अहकाम जिनका ताल्लुक इंसानी सोच से है, उनको हम अकीदा कहते हैं, क्योंकि अकीदा बेसिकली सोच का नाम है। बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ गई कि वो अहकाम जिन अहकाम का ताल्लुक इंसान के जिस्म से है, जिसनी जितनी भी बदनी इबादत है, ठीक, जैसे रोजा है, नमाज है, ठीक है, ये सारी बदनी इबादत है। ठीक। इनका ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ है। इसी तरह और भी काफी सारी इबादत इसमें शामिल हो जाती है।
तीसरी कैटेगरी वो है कि जिनका ताल्लुक इंसान के माल के साथ है, उसमें ज़कात, उसमें फितराना, उसमें सदकात नाफिला, उसमें सदकात वाजिबा, ये तमाम किस्म के सदकात जो है ना वो इसमें आ जाएंगे। अब ज़कात ये जो इस्लाम के पिलर्स हैं, इस्लाम के अरकान हैं, उनमें से बुनियादी रुकन है ज़कात, बिल्कुल ठीक, फ़र्ज़ है, ठीक है। लफ्जी माना इसका पाक करना या पाक होना, नशवो नुमा करना, बढ़ना, ठीक। और आम तौर पर कहा जाता है वो माल जो साहिब निसाब बंदे पर एक मखसूस शरा के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुराबा में तकसीम करना, वो माल ज़कात का माल कहलाता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे अभी अगर हम इस दौरे हाजिर को देखें, जिस तरह पहले सुनते थे कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी, लेकिन अगर आज के निसाब को देखा जाए तो सोना जो है वो एक तोला भी जो है वो 2 लाख से तजावज कर गया है, तो अभी भी क्या वही निसाब है 7.5 तोले का या उसमें कुछ अलग बदल है? देखिए इसमें उसूल तो नहीं ना बदलता, मैंने पहले गुजारिश कर दी कि उसूल वही रहना है, दीन नहीं बदलना, वो अल्लाह रसूल ने जो कह दिया वो कह दिया। अब क्या होगा, जिद्दत के तकाजे हैं, मसलन अगर हम सोने को देखते हैं तो सोना मेरा ख्याल है इस वक्त अगर उसकी 7.5 तोला की मालियत निकाली जाए तो राउंड अबाउट 15 लाख के आगे पीछे चला जाएगा ये काम, शायद इससे भी बढ़ जाए, इससे ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा ही होगा। और जब बात करते हैं चांदी की, तो चांदी की जो मालियत है वो राउंड अबाउट 1 लाख के आगे पीछे बनेगी जी, ठीक है, ठीक है जी। अब हम जो ज़कात देने वाले लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं किसी ना किसी शक्ल में बच जाए, किसी ना किसी शक्ल में पैसा ना निकालना पड़े। हमारी नजर में सोना होता है भाई, वो 7.5 तोले तो जो मेरे पास है नहीं, अब अगर वो नहीं है तो चांदी के बराबर तो मालियत है ना तुम्हारे पास, यानी कि या 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी की जो मालियत बनती है उसका जो मौजूदा चांदी का रेट है उसी रेट। मैं एक छोटी सी बात इस हिसाब से अगर आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा राउंड अबाउट चांदी की जो मालियत बनेगी, ठीक है, 1 लाख 20 हज़ार के करीब बनता है, लोग तो आप पे आप पे फर्ज है ज़कात देना। लोग ज़ाहिद भाई पता क्या करते हैं, मौजूदा हम जाते हैं ना निकाह के ऊपर तो लोगों का आज भी वो जो शरी हक महर है ना बस वो ही लिख दें, हालांकि हक महर का ताल्लुक भी चांदी के रेट के साथ है। बिल्कुल सही, इसी तरह ज़कात का जैसे चांदी का रेट बढ़ता जाएगा इसका रेशो बढ़ता जाएगा, ज़कात की वैल्यू भी उसी हिसाब से जो है ना फार्मूला वही रहेगा 2.5% का, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन चूंकि चांदी की वैल्यू बढ़ती जा रही है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसी हिसाब से आपका जो प्लस माइनस निकालेंगे तो वो मालियत भी बढ़ती जाएगी, उसूल वही रहेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास 1,20,000 के करीब आपके पास रकम है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई जी जी। और अगर ये किसी के पास नहीं है तो वो ज़कात का हकदार है? हाँ, अब ये जो बात आप कर रहे हैं ना ज़कात का हकदार है, मौजूदा दौर में लोग, अभी कल परसों की बात है, एक आदमी एक मसला पूछ रहा था और उसकी बात सुन के दुख हुआ है जी। वो कहता है जी मेरी 18,000 रुपया सैलरी है, तकरीबन 3.5 लाख का मकरूज हूँ, और 18,000 के अंदर मैंने तो ये देखा है जो लोग 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं वो भी परेशान है, ठीक, छे जाए कि 18,000 वाला बंदा। अब इसमें जो मसारिफ ज़कात है ना, जो 8 उसूल कुरान पाक ने बयान किए हैं, फुकरा, मसाकीन, गारिमीन, फी सबीलिल्लाह, वबनी सबील, ये जो 8 मसारिफ हैं, इनमें से जो मसाकीन है ना ऐसे लोग इसमें आ जाते हैं जिनको सादी ज़बान में हम सफेद पोश कहते हैं, कि जो लोग बेचारे बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूं कि मेरे ज़हन में ज़रा बातें आ रही हैं, अब जिस तरह अगर हम ये देखते हैं सुनते हैं या जिस तरह भी आपने फरमाया कि जिस बंदे के पास 1,20,000 रुपये है उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दिहाड़ीदार होते हैं और अपनी बच्चियों के लिए जहेज इकट्ठा कर रहे होते हैं, पैसे जोड़ रहे होते हैं कि मेरी बच्ची जो है ना वो जवान, बल्कि माएँ तो जब बच्ची पैदा होती है तब से जहेज जो है ना जोड़ना शुरू करती है, तो क्या उस पैसे के ऊपर भी ज़कात? जी नहीं, वो पैसा इसमें जो उसूल है ना, इसमें उसूल ये है कि हर वो चीज़ जो आपकी ज़ाती इस्तेमाल में है, ठीक है, मसलन आज छोटे से छोटा भी घर हो ना, 2 से 3 मरले का घर हो तो मेरा ख्याल है 40 से 50 लाख उसकी वैल्यू बन जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो नहीं इसमें शामिल नहीं, गाड़ी जो आप यूज कर रहे हो वो भी नहीं आएगा, जो चीजें आपकी बुनियादी इस्तेमाल में है वो चीजें ज़कात से मुस्तस्ना होंगी, उन पर ज़कात, नंबर एक। नंबर दो, जैसे आपने बात की है कि बच्चियों को जहेज बनाया जाता है या उनके लिए जितना भी वालिदैन की बिसात होती है शादी के लिए जेवर वगैरह बनाते हैं,
तो वो चीजें भी इसमें शामिल नहीं होती। नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आपके पास अमानत है। ठीक है, वो आज हैं और कल आप बच्ची की शादी करेंगे, वो चली जाएंगी। ठीक, वो आपके पास अमानत। हाँ, अगर वो बेटी जिस बेटी के लिए बनाया हुआ है, वो बेटी खुद जो है ना खुद कफील है, कोई अच्छी जॉब करती है, अच्छी अर्निंग करती है, अब उसका मसला अलग होगा। ठीक है, वो उसकी अर्निंग के मत पे आएगा, वो जो उसका वालिदैन ने उसके लिए बनाया हुआ है वो इसमें शामिल। अच्छा, इसमें एक और चीज मेरे ज़हन में आ गई है। जी जी। सोना जो कि हर औरत जो है ना वो 7.5 तोले है जितना भी है, और वो पहन रही है, इस्तेमाल कर रही है। जी जी। जारी बात है, इस्तेमाल करने के लिए तो उस पर ज़कात है। जिस तरह आपने फरमाया कि जो चीज़ इस्तेमाल में है उसकी ज़कात नहीं है, हालांकि 7.5 तोले पे आपने फरमाया कि ज़कात है, इसमें थोड़ा सा फरमाया। इस्लाम ने पहनने और ना पहनने का उसूल ही नहीं बताया। ठीक है, इस्तेमाल ने तो कहा मिल्कियत। ठीक है, मालिक हो, चाहे वो घर में पड़ा हुआ है, वो बैंक में पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं है कोई भी। ठीक है, इस्लाम ने कहा है कि तुम्हारी मिल्कियत में इतना पैसा होना चाहिए या इतना जेवर होना चाहिए। हाँ। अगर वो मिल्कियत है तो ये वाली मिसाल गाड़ी पे नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी भी आपके इस्तेमाल में है लेकिन उस पे ज़कात नहीं। गाड़ी है। गाड़ी जो है ना सोना, सोने को मयार बनाया गया है। ठीक है, गाड़ी को मयार नहीं बनाया गया। ठीक है, सोना एक बुनियादी चीज है। उसी गाड़ी की कीमत भी अगर आप देखें तो 7-16 से कई कई देखे ना, मतलब करोड़ों की गाड़ियों में लोग जो है ना वो घूमते हैं, और जो लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, करोड़ों की जो है ना वो मालियत होती है उनकी, लेकिन चूंकि वो आपकी बुनियादी जरूरियात गिनी जाती है। और जेवर जो है ना, सोना, ये आपकी बुनियादी जरूरियात। बुनियादी जरूरियत किसको कहते हैं आप? बुनियादी जरूरत वो है जिसके बगैर आपका जिंदगी आप गुजारना नामुमकिन हो। वो बुनियादी, मसलन में देखिए आप, बिजली आए आज की पैदावार है लेकिन बुनियादी जरूरत बन गई आप। अब हम लोग इसके बगैर नहीं रह सकते। गाड़ी बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरियात में से इसको गिना जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप 2 लाख की गाड़ी में घूमते हैं और ये हैदरी साहब जो है ना 10 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, कोई 70 लाख में बैठा हुआ है, वो एक अलग अलग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सोना है ना उसको मयार बनाया गया है। ठीक है, वो बुनियादी मयार है, इसलिए वो इस्तेमाल में हो या ना हो मिल्कियत में होना जरूरी है। मिल्कियत में होगा तो ज़कात लग जाएगी, ज़कात अदा करना पड़ेगी। ठीक है, चले। अच्छा ये बताइएगा कि ये ज़कात की जो जो ज़रूरत है, यानी कि इस्लाम में जो इसकी अहमियत है, वो क्यों इतनी ज़रूरी है? नबी अलैहिस्सलाम की फरामीन को देखें या कुरान को देखें तो इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है, हम लोग तो मुआशी निज़ाम को पढ़ते ही नहीं है ना। इस्लाम के ने जो मुआशी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है, हम लोगों की तवज्जो ही इस तरफ नहीं होती। इस्लाम ने क्यों ये ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है? कुरान पाक में बारहा मरतबा है, नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन में है। कुरान पाक ये वाज़े तौर पे कहता है कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फिज़्ज़ा वला युन्फ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग ज़कात का पैसा अदा नहीं करते, अपना माल जमा करते जाते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दो। सही। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस्लाम में लोगों की कैटेगरीज तो मौजूद है, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। इसकी बुनियादी वजह यह रखी गई ज़कात की कि इर्तिकाज़े दौलत ना हो, दौलत एक जगह पे जम ना जाए। आपके पास अगर पैसा है, आप उसी को तिजोरियों में संभालते हैं, बैंकों में संभालते हैं, संभाल रखते जा रहे हैं, मेरे पास नहीं है और मेरे पास उस तरह के वसाइल भी नहीं है कि मैं वो उस पैसे को कमा सकूँ। आपका पैसा जो जमा शुदा है उसमें अल्लाह ताला ने गरीब लोगों का हक रखा हुआ है, बिल्कुल, ताकि जो है ना गरीब लोग जो हैं वो भी अपनी ज़रूरियात को, अपने मामलात को अच्छे तरीके से अवेल कर सकें, और अमीर लोगों को पाबंद बनाया गया है कि भाई अपने माल का जो है ना वो हिस्सा निकालो, ताकि जो उनकी मईशत है। और हिस्सा भी अल्लाह ताला ने देखे ना, क्या हिस्सा निकाला, 2.5%। अगर बात देखें तो है, बनता ही कुछ नहीं है। अगर जिन लोगों के पास अरबों रुपए हैं, देखिए ना, मैं अभी वो कॉल चल रही थी ना गुजरात से, तो उनकी बात से मैं एक बात पिक कर रहा था। आप सवाल कर रहे थे उनसे कि जी ये इतना ज्यादा ब्लड कहाँ से आता है और कैसे होता है और क्या बनता है। ये बात तो जाहिद भाई तयशुदा है, जिसको रब ने पैदा किया है ना, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, रिस्क वही देता है, बेशक उसी के कर्म से चलता है। अब अगर कोई अमीर आदमी अपनी ज़कात का हिस्सा नहीं निकालता तो रोटी तो गरीब फिर भी खा रहा है। बिल्कुल सही।
रोटी तो वो भी फिर भी खा रहा है क्योंकि रोटी उसने देनी है। सवाल ये है, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने साहिब निसाब बनाया है, तुम्हें अल्लाह ताला ने साहिब माल बनाया है, अगर तुम अपने उस माल में से या अपने उस निसाब में से पैसा निकाल के गरीब की खिदमत करोगे तो अल्लाह कहता है मुझे कर्जा दो। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि अल्लाह के साथ तो कर्जे की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के साथ अगर अगर देखा जाए ना ज़कात के फवायद में से, तो मैं एक बात पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने लिखी थी, कहते हैं ज़कात ये ऐसे है जैसे बिजनेस है, कारोबार, अल्लाह के साथ कारोबार, अल्लाह के साथ कारोबार है ये, अल्लाह के साथ कारोबार। हर बंदा कोशिश करता है जी मैं 10 रुपए लगा के 100 रुपया कमाऊं, तो रब तो कहता है तू एक लगा मैं तुझे 700 गुना दूंगा, 700 दूंगा एक के बदले में, तो हम अल्लाह के साथ कारोबार क्यों नहीं करते? अच्छा अलामा साहब, किस कौन 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 से ऐसे लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है? वक्त हमारे पास थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा मैं ये इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर, अगर तो इसी चीज़ को डिटेल से लिया जाए ना मसारिफ़ ज़कात को, तो इसके लिए भी एक लंबा थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ। क्योंकि लोगों के अंदर जो इस्तिलाहात मशहूर हो चुकी हैं ना वो भी गलत हैं। मसलन लोग इन्नमस सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफत कुलूबुहुम व फिर रिकाब, ये 8 मसारिफ हैं। इनमें जो फकीर का कॉन्सेप्ट है लोगों में वो क्या है, मांगने वाला, हालांकि मांगने वाला फकीर नहीं होता। इसी तरह जो मिस्कीन का कॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर, जिसकी माँ फौत हो जाए, ये भी गलत है। ठीक है जी। उसके बाद वल आमिलीन आ गया, इसमें ये मैं कहता हूँ ये जो आपका इदारा है ना सुंदस फाउंडेशन, या इस तरह के जितने भी इदारे जो इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सैलरीज वो भी ज़कात फंड में से, मतलब आप लोग वर्क कर रहे हैं या और जितने भी इदारे काम कर रहे हैं वो ज़कात फंड में से वो भी इसमें दी जा सकती है। तो फकीर है, मिस्कीन है, उसके बाद आ गया आमिलीन, ज़कात के महकमे में काम करने वाले लोग, मुलाजमीन, उसके बाद आ गया वलगारिमीन, मकरूज। लेकिन कौन सा मकरूज? वो मकरूज जिस मकरूज के पास कर्जा अदा करने के जाहिरी असबाब ना हो। हर बंदा कहेगा जी मेरा कर्जा है, मैं जी बिजनेस करता हूँ, मैंने जी बाहर से आर्डर आया था 10 लाख का, तो मैंने जी इधर से पैसे लेके उधर से लेके जो कर्जा लेके तो मैंने जो है ना वो आर्डर भेजा है, क्या मैं मकरूज हूँ? वो मकरूज नहीं शाम होगा। इसी तरह दुकानें जो बिजनेस करती हैं, मतलब 10 लाख का आर्डर मंगवा लिया, पेमेंट बाद में देंगे, अब वो भी कर्जे, तो कारोबारी कर्जे इसमें शामिल नहीं होते। ठीक हो गया। वो कर्जे, ये अच्छा कि आपने बड़ा इसको डिफरेंशिएट कर दिया। वो कर्जे, वो मकरूज बंदा जिसके पास अपने कर्जा अदा करने के लिए जाहिरी असबाब में से कोई चीज नजर ना आए, उस बंदे को जकात का पैसा दे के भी उसका जो है ना वो कर्ज अदा किया जा सकता है। इसी तरह तालीफ कल्ब है। तालीफ कल्ब क्या होता है? कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, मुसलमान होता है, इस्लाम में दाखिल होता है, तो उसको उसकी इमदाद की जाती है ज़कात के पैसे से, ताकि भाई जो है ना ये आया है इसको वेलकम करो, ताकि ये खुश हो कि मैं इस्लाम में। अच्छा सर, इसमें अफजल तरीन क्या है कि कौन से आप सबसे अफजल तरीन इसमें जो है ना वो मैं जो मेरी एक ज़ाती राय है इसमें, ज़ाती राय है ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। अगर उसमें हम ये देखें कि आपके बहुत करीबी हैं, जैसे आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम पता क्या करते हैं मौजूदा दौर में, हम अपनी सलाम दुआ को देखते हैं, ताल्लुक देखते हैं, मेरा ताल्लुक किसके साथ है, बल्कि हमने तो मयार इतना गिरा दिया हुआ है चीज़ों का। ये मोहसिन भाई हैं ना, अगर अपने किरदार में ये अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरे साथ ठीक है ना तो मैं कहता हूँ ये बंदा ठीक है भाई, ठीक है, मतलब हम हर चीज को अपने मयार पे परख रहे हैं, हम अपनी सोच से परख रहे हैं, देखना ये चाहिए कता नजर इन इम्तियाजात के जो जरूरतमंद है। मेरे पास लोग आते हैं ना सवाल पूछने के लिए, बेहतर सदका क्या है जी, मुर्गी दे दें जी, गोश्त दे दें जी, इनका यार देखो किसी को जूते की जरूरत है, किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को कपड़े की जरूरत है, जिसकी जो जरूरत है वो पूरी करो, मौजूदा दौर में जो है ना इसकी बड़ी अशद जरूरत है। अच्छा, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनमें से किन किन को आप दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते? अच्छा, इसमें भी ना बड़ा इसमें थोड़ा सा है। हाँ, इसमें मियाँ बीवी सबसे पहले एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, वो कर धमाल कार्य रवे, इस तरह नहीं होना। ठीक है, मियाँ बीवी को नहीं दे सकते, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसी तरह बाप और बेटा, ना बेटा बाप को दे सकता है ना बाप बेटे को ज़कात। यानी अगर इसको हम शॉर्ट करें तो जिससे आप पैदा हुए या आप में से जो पैदा आप में से जो पैदा हुआ उनको ज़कात नहीं, उनको ज़कात नहीं। हाँ, भाई भाई को दे सकते हैं, बहन बहन दे सकती है, बहन भाई एक दूसरे को दे सकते हैं। असल इसमें उसूल क्या बनाया गया, उसूल ये है कि जिनकी कफालत आपके जिम्मे लाजिम है,
ठीक है, ये उसूल है। जिनकी कफालत आपके जिम्मे लाजिम है उनको आप जकात नहीं दे सकते, इमदाद करते हैं। बड़े सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बेटी की शादी की है और बेटी जो है ना वो गरीब है, हालात जरा जो है ना कमजोर हैं, तो हम अपना जकात का पैसा उसको दे देंगे बाप की तरफ से। अगर बाप ऐसा करेगा तो गलत होगा, फर्ज है वो आपका, बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि बाप ने अगर करना है तो वो बेटी की वैसे खिदमत करे, वैसे इमदाद करे जितनी कर सकता है। इसी हवाले से ना ये जो मैं एक पैगाम भी देना चाहूँगा हमारे जो नाजरीन देखने वाले हैं कि इस तरह के इदारे जैसे ये हमारा इदारा है सुंदस फाउंडेशन, जाहिर बात है इस तरह के इदारे भी फंडिंग पे चलते हैं, बिल्कुल, और इसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, हम लोगों का तआवुन होगा, किसी भी शक्ल में हो, ज़कात की सूरत में है, फितराना की सूरत में है, सदकात की सूरत में है, या वैसे लोग आके डोनेट करते हैं। तो मैं अपने ये नाज़रीन को ये कहूँगा कि इस तरह के इदारों को भी मद्देनज़र रखें, सही, इसलिए कि ये वो इदारे या वो लोग होते हैं जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत की खिदमत में लगे होते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि इंसानियत ज़िंदा रहे। तो इंसानियत की खिदमत करना इस दौर का बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल सही। अच्छा लामा साहब, लास्ट पे बस ये फरमा दीजिए कि ज़कात, सदकात और फितराना क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं, और अगर अलग अलग हैं तो क्या फ़र्क है? इसमें जो ज़कात है ये तो फ़र्ज के दर्जे में है, जैसे हमने बात कर ली कि 7.5 तोले और 52.5 तोला सोना और चांदी का जो मैार रखा गया, ये फ़र्ज है और फ़र्ज ऐन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है फितराना। फितराने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रमजान के बाद ईद के साथ होता है, इसको सदका फितर भी कहते हैं और फितराना भी कहते हैं। और उसमें ये भी फरमा दी, बहुत सारे लोग वो इंतजार कर रहे होते हैं ईद का। हाँ, मैं गुजारिश करने लगा यही, फितराना चूंकि इसका ताल्लुक रमजान के बाद फौरन ईद के साथ होता है, इसको सदका फितर भी कहते हैं, फितराना भी इसी को कहते हैं। और इसका भी बुनियादी एक मकसद रखा गया है, वो मकसद क्या है कि रमज़ान गुजरने के बाद आप भी, मैं भी, सारे लोग जो है ना वो अच्छे से अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छे से अच्छे खाने होंगे, दावतें होंगी वगैरह वगैरह, तो जो गुराबा लोग हैं बेचारे उनके पास इतने वसाइल नहीं है, वो अच्छा लिबास कैसे खरीदें, वो अच्छा जूता कैसे खरीदें, तो अफजल यही है कि पहले उनको पहले दे दिया जाए। और इसकी जो इस हालात में या इस दौर में जो इसकी वैल्यू निकाली गई है, क्योंकि इसका भी ताल्लुक अवामी गंदम के साथ है, मौजूदा दौर में या अभी तक जो उलमा ने फतवा दिया है वो 320 रुपए है, 320 रुपए पर हेड के हिसाब से जो है ना वो फितराना। तीसरी चीज आ जाती है सदकाते नाफिला। सदकाते नाफिला ये होते हैं जो ना जकात है और ना फितराना है, इससे हट के आप गुजर रहे हैं, आपने किसी गरीब को देखा, किसी इदारे को देखा, किसी मदरसे को देखा, किसी ज़रूरतमंद को देखा, जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी उस तौफीक के मुताबिक आपने जो है ना उनकी खिदमत कर दी, ये सदकाते नाफिला हैं। और तीनों की दर्जा बंदी हैं और तीनों की कैटेगरीज हैं। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी तो ज़हन में है, लेकिन वक्त चूंकि कम है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे। मोहसिन भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर पे, क्योंकि हम बिल्कुल आखिर तरफ जा रहे हैं, और मोहसिन अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज फिर जो है ना वो एक समा बांधे, ताकि जब हम आखिर ब्रेक पे जाने के बाद मतलब ख़त्म करें इस प्रोग्राम को, तो एक ऐसा कलाम हो कि वो जो मुद्दत तो याद रहे। जी इंशाल्लाह। कर्म के आशिया कर्म के आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, कितने नाने इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, फातिमा
पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। अरे किबला कारी साहब, आपकी नजर शेयर कर रहा हूँ, जुमला सुनिएगा जरा, शायर ने क्या तर्जुमानी की है। कि सुई गुम जो हुई हुई रोशनी हो गई, सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। वक्त आखिर भी हो वो भी हो सामने, वक्त आखिर भी हो वो भी हो सामने, वक्त आखिर भी हो वो भी हो सामने, तो ए कजा तेरे आने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, शेरता लिखते हैं, शेरता लिखते हैं, शेरता लिखते हैं। हाँ तक के बोले 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 तक के बोले नकीरें हाकिम, मुझे 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 तक के बोले नकीरें हाकिम मुझे, के मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है। कर्म के आशिया माशाल्लाह, आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहसिन अली हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपने। वाकई जिस तरह मैंने कहा था कि आखिर पे समा बन जाना चाहिए और जब प्रोग्राम की एंडिंग हो तो ये जो आवाज़ है आप लोगों के कानों में रस घोलती रहे, बहुत शुक्रिया। अलामा जमशेद अजीज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह आज आपने ज़कात के ऊपर बात की। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सब लोगों को अपने सवालों के बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे। अहमद रज़ा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप फ़ख्र हैं सियालकोट का माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह इस तरह अल्लाह ताला आपको और जो है वो कामयाबी अता करे। यहाँ पे आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल इसी टाइम अपने नए दोस्तों के साथ नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने साथ साथ अपने साथ रहने वाले दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखान की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज़ शब इबादतें, वो बरकतों की सातें, आई हैं फिर समेट लो रमज़ान की सब नेमतें। पिछले साल SFT